नमस्कार, मैं हूं दिव्या। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश की प्रमुख खबरें। पीएम मोदी का वर्धा दौरा, पीएम विश्वकर्मा योजना और नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा। पीएम मोदी ने वर्धा में पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में भाग लिया, जहां कारीगरों को ऋण और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। उन्होंने अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी, जो वस्त्र उद्योग के विकास में मदद करेगा। इसके अलावा आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र और पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना की शुरुआत की। मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पार्टी में नफरत का आरोप लगाया। चंद्रयान 4 मिशन को मिली मंजूरी, 36 महीने में होगा पूरा। भारत के चंद्रयान 4 मिशन को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसके लिए 2104.06 करोड़ रुपए को फंड जारी किया गया है। इस मिशन में सैटेलाइट का आकार दोगुना होगा और इसे दो हिस्सों में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें प्रोपल्सन, डिसेंडर, असेंडर, ट्रांसफर और री एंट्री मॉड्यूल शामिल है। इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया कि गगन ज्ञान मिशन 20 साल के अंत तक लॉन्च करने की योजना है। QS रैंकिंग 2025, पढ़ाई के लिए यूरोप की सबसे बेस्ट सिटी। QS रैंकिंग के अनुसार लंदन यूरोप का सबसे अच्छा छात्र शहर है, जिसे 100 का स्कोर मिला है। दूसरे स्थान पर म्यूनिक 97.7 और तीसरे स्थान पर पेरिस 94.6 के साथ है। चौथे से आठवें स्थान पर ज्यूरिक, बर्लिन, एडिनबर्ग, वियना और लुसाने हैं। एम्स्टर्डम और मैनचेस्टर क्रमशः 9वें और 10वें स्थान पर है। सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई को फटकार, पश्चिम बंगाल मामले में याचिका पर आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हिंसा की जांच को लेकर सीबीआई की याचिका को अस्वीकार करते हुए उसे फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई का आरोप है कि राज्य की अदालतें पक्षपाती हैं, न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। जस्टिस ओका और मित्तल ने याचिका वापस लेने का आदेश दिया और कहा कि पीड़ितों के लिए न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। हाल ही में भारतीय निवेशकों ने ग्रीस में संपत्ति खरीदने में 37% की वृद्धि दर्ज की है। इसका मुख्य कारण 1 सितंबर से लागू होने वाले महत्वपूर्ण नियामक बदलाव है, जिसके चलते लोग गोल्डन वीजा स्कीम का लाभ उठाना चाह रहे थे। ये स्कीम संपत्ति में निवेश के बदले निवास परमिट देती है और इसकी शुरुआत की राशि €2,50,000 है, जो यूरोप में सबसे कम है। हालांकि बढ़ते मांगों के कारण एंथेस, थेंसा, लोनिकी और सेंटोरोनी जैसे क्षेत्रों में घरों की कीमतें बढ़ रही हैं। 8 लाख यूरो करीब 7 करोड़ रुपए कर दिए हैं, जो कि सितंबर 2024 से लागू हो चुकी है। ये बदलाव कीमतों को नियंत्रित करने और कम विकसित क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया है। शेयर मार्केट में देखी जोरदार तेजी। शेयर मार्केट में आज जोरदार तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स में 1259 अंकों के उछाल के साथ 84,444 पर पहुंच गया है, जबकि निफ्टी भी 375 अंकों की बढ़त के साथ 25,791 पर है। आज के सत्र में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने अपने अपने ऑल टाइम हाई पर छुए हैं। बाजार की इस तेजी में मुख्य योगदान बैंकों, ऑटो, वित्तीय सेवाओं, धातु, प्राइवेट बैंकों और रियल एस्टेट सेक्टर के स्टॉक्स का है। दिन में 1% से अधिक की बढ़त देखने को मिली है। सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में है और स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स में भी खरीदारी हो रही है। कुल मिलाकर आज का दिन शेयर मार्केट के लिए बहुत सकारात्मक साबित हुआ है। पड़ोसी पहले नीति के तहत भारत ने मालदीव को दी आर्थिक सहायता। मालदीव में भारतीय हाई कमीशन ने घोषणा की कि भारत ने मालदीव की मौजूद सरकार के अनुरोध पर 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। यह आर्थिक सहायता भारत के पड़ोसी पहले नीति का हिस्सा है। मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री ने भारत का आभार व्यक्त किया है। हालांकि इससे पहले मौजूद के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत मालदीव संबंधों में तनाव भी देखा गया था। इमरजेंसी सेवा के लिए जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल की खत्म, लेकिन न्याय की मांग जारी। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टरों ने दुष्कर्म और मर्डर केस के विरोध में 41 दिन की हड़ताल को खत्म करने का निर्णय लिया है। डॉक्टर अब केवल इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही काम करेंगे और शनिवार से कार्य पर लौटेंगे। वे सीबीआई से जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं और आज सीबीआई ऑफिस तक मार्च भी करेंगे। ओपीडी सेवाएं स्थगित रहेंगी, लेकिन न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। ध्रुवी पटेल बनी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। न्यूजर्सी की छात्रा ध्रुवी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का विजेता घोषित किया गया है। ध्रुवी ने कहा है कि ये जीत उनके लिए गर्व का विषय है और वो दूसरों को प्रेरित करना चाहती हैं। सूरीनाम की लिसा अब्दुलाक फर्स्ट रनर अप रही है। वहीं ध्रुवी कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम की छात्रा है
और 3D चैरिटीज जैसी गैर लाभकारी संस्थाओं के जरिए समाज सेवा में सक्रिय हैं। शारदीय नवरात्रि 2024 3 अक्टूबर से प्रारंभ। इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 12 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ समाप्त होगी। मां दुर्गा डोली पर सवार होकर धरती पर आएंगी और चरणा युद्ध पर विदाई लेंगी। शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि भी कहा जाता है, जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। मुंबई में आईफोन 16 सीरीज के लॉन्च होते ही दिखी लंबी कतार। मुंबई में आज से एप्पल के आईफोन 16 सीरीज की बिक्री शुरू हो गई है, जिसके लिए सुबह से लंबी कतारें देखी जा रही। ग्राहकों में आईफोन 16 को खरीदने का खासा उत्साह है, जिनकी कीमतें 79,900 रुपये से शुरू होती है। आईफोन 16 और 16 प्लस के साथ साथ प्रो और मैक्स वेरिएंट भी लॉन्च किया गया है। आईफोन 16 प्रो की कीमत 1,19,900 से शुरू है, वहीं आईफोन 16 मैक्स के शुरुआती दाम 1,44,900 रुपये हैं। श्राद्ध पक्ष में सोने के भाव में गिरावट। श्राद्ध पक्ष के शुरुआत के साथ भारत में सोने के भाव में लगातार गिरावट देखी जा रही है। 20 सितंबर 2024 को 10 ग्राम सोने की कीमत में 300 रुपए की कमी आई है, जिससे ये 73,000 रुपए की हो गई। 24 कैरेट सोने की कीमत 74,440 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 68,240 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इस दौरान चांदी की कीमत 90,900 रुपए प्रति किलोग्राम है। द नाइट मैनेजर को मिला इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स का नॉमिनेशन। अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर की वेब सीरीज द नाइट मैनेजर को 2024 के इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए नॉमिनेट किया गया है। अनिल कपूर ने कहा है कि ये उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण भूमिका थी और एमी अवार्ड्स की मान्यता से वे और भी उत्साहित हैं। सीरीज के डायरेक्टर संदीप मोदी ने खुशी का इजहार करते हुए अपनी टीम का आभार व्यक्त किया है। नगद लेन देन पर सख्त नियम, केंद्र सरकार की नई दिशा। केंद्र सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और कर चोरी रोकने के लिए नगद लेन देन पर कर नियम लागू किए हैं। आयकर अधिनियम के तहत 2,00,000 रुपए या उससे अधिक की नगद प्राप्तियों पर रोक है। नगद निकासी पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पर 2% TDS लगाया जाएगा। इसके अलावा 20,000 रुपए से अधिक के नगद लोन स्वीकारने और चुकाने पर भी प्रतिबंध है। आलू के छिलकों के ये फायदे जानकर चौंक जाएंगे आप। कचरे में अक्सर फेंके जाने वाले आलू के छिलकों के कई फायदे हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होते हैं और स्किन पर खुजली व रैशेज को कम करने में मदद करते हैं। छिलकों को भूनकर कुरकुरे स्नैक्स के रूप में भी खाया जा सकता है, जो फाइबर का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा इन्हें पौधों के लिए प्राकृतिक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक, XRP का प्रचार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का यूट्यूब चैनल हैक कर लिया गया, जहां XRP क्रिप्टो करेंसी का प्रचार करने वाले वीडियो दिखाए गए। चैनल पर पिछले सुनवाई के वीडियो को हैकर्स ने प्राइवेट कर दिया और एक शीर्षक वाला वीडियो लाइव कर दिया। ये घटना न्यायालय के मामलों की सुनवाई के लिए महत्वपूर्ण चैनल के लिए चिंताजनक है, जो संविधान पीठ के मामले का सीधा प्रसारण करता है। केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली पर मिल सकता है वेतन बढ़ाने का तोहफा। केंद्र सरकार दीपावली तक केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। लंबे समय से कर्मचारियों ने इस मांग को उठाया है, खासकर महंगाई को देखते हुए। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार बेसिक सैलरी में वृद्धि से कर्मचारियों को 25-30% तक लाभ हो सकता है। हालांकि 8वें वेतन आयोग पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन बढ़े वेतन की उम्मीद कर्मचारियों को राहत दे रही है। गूगल सर्च रिजल्ट्स में AI निर्मित कंटेंट के लिए नया लेबल पेश करेगा। गूगल ने एक नया लेबल पेश करने की योजना बनाई है, जिससे यूजर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से बने कंटेंट की पहचान करना आसान होगा। ये कदम पारदर्शिता बढ़ाने और यूजर्स को सामग्री के बारे में सही निर्णय लेने में मदद करेगा। ये लेबल गूगल सर्च इमेज और लेंस में शामिल होगा और यूट्यूब पर भी लागू होने की संभावना है। कंपनी साल के अंत तक इसे ला सकती है। और उर्वशी रौदेला ने ऋषभ पंत के साथ अफेयर की अफवाहों को बताया बेबुनियाद। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौदेला अपनी फिल्म वेलकम टू द जंगल को लेकर चर्चा में है। उन्होंने NDTV से बातचीत में भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ अफेयर की खबरों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा है कि वो निजी जिंदगी को प्राइवेट रखना पसंद करती हैं और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। उनके आगामी प्रोजेक्ट्स में कसूर 2 और बाप जैसी फिल्में शामिल हैं। महेश भट्ट के जन्मदिन पर उनके संघर्ष से सफलता की कहानी। आज महेश भट्ट का जन्मदिन है,
आज भले ही महेश भट्ट बहुत बड़ा नाम हो, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कड़ी कठिनाइयों का सामना किया, खासकर आर्थिक तंगी और बिना पिता के बड़े होने के दौरान। उनकी माँ की एक प्रेरणादायक बात ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया था। 26 साल की उम्र में उन्होंने डायरेक्टोरियल डेब्यू किया और कई हिट फिल्में बनाई। आज वे 373 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं और बॉलीवुड के प्रमुख प्रोडक्शन हाउसेज में से एक का संचालन कर रहे हैं। यूपी के जेवर में सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना। यूपी सरकार ग्रेटर नोएडा के जेवर में सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने जा रही है, जो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आएगा। 350 एकड़ भूमि पर दो क्लस्टर्स विकसित किए जाएंगे, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पार्क में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स सहित सुविधाएं होंगी। यूपी की नई सेमीकंडक्टर पॉलिसी में निवेशकों को विभिन्न सब्सिडी और छूट का लाभ मिलेगा। त्योहारों के समय में छुट्टियां। सितंबर का महीना खत्म होने वाला है। अक्टूबर में सार्वजनिक छुट्टियों की शुरुआत 2 अक्टूबर गांधी जयंती से होगी। इस महीने कुल 7 छुट्टियां हैं, जिसमें दुर्गा पूजा के चलते 11, 12 और 13 अक्टूबर को लगातार छुट्टियां रहेंगी। नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होंगी और दुर्गा पूजा 12 अक्टूबर को दशहरा के साथ समाप्त होगी। भारत में AVGCXR के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र। भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसका नाम संभवतः इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्सिव क्रिएटर्स होगा। ये केंद्र शौकी और पेशेवरों को प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास में मदद करेगा। मुंबई में स्थापित होने वाले ये केंद्र स्टार्टअप्स को संसाधन प्रदान करेंगे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, जिससे भारत AVGCXR का वैश्विक केंद्र बन सकेगा। इनकम टैक्स विभाग में 10वीं पास के लिए भर्ती। अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो इनकम टैक्स विभाग में अटेंडेंट के 25 पदों पर भर्ती निकाली गई है। चयनित उम्मीदवारों को 56,000 रुपए प्रति महीने तक वेतन मिलेंगे। आवेदन के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। लिखित परीक्षा 6 अक्टूबर को होगी, जिसमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के प्रश्न होंगे। आवेदन करने के लिए विभाग की वेबसाइट पर जाएं। SBI आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम का तीसरा संस्करण। भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन ने SBI आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है, जो 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्रों और सिरसा के NIRF विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए है। स्कूली छात्रों को 15,000 रुपये, स्नातक छात्रों को 50,000 रुपये, पोस्ट ग्रेजुएशन छात्रों को 70,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। IIT और IIM के छात्रों को क्रमशः 2,00,000 रुपये और 7,50,000 रुपये तक का लाभ मिलेगा। आवेदन की अंतिम तारीख 1 अक्टूबर 2024 है। रिलायंस जियो का दिवाली धमाका ऑफर। रिलायंस जियो ने दिवाली के अवसर पर नया ऑफर पेश किया है, जिसमें यूजर्स को एक साल के लिए फ्री इंटरनेट मिलेगा। ये ऑफर 18 सितंबर से 3 नवंबर 2024 तक उपलब्ध है और नए व मौजूदा दोनों यूजर्स के लिए है। नया एयर फाइबर कनेक्शन लेने वाले ग्राहक 20,000 रुपये की खरीदारी पर या 2,222 रुपये के 3 महीने के प्लान के साथ लाभ उठा सकते हैं। भारत बांग्लादेश टेस्ट, भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 376 रन बनाए। बांग्लादेश की शुरुआत खराब रही, जहां जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने मिलकर पहले 9 ओवर में 3 विकेट चटकाए। लंच तक बांग्लादेश का स्कोर 26 पर और 3 विकेट था। हसन महमूद ने 5 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया, जबकि अश्विन ने 113 और जडेजा ने 86 रन बनाए। थाईलैंड में घूमना अब होगा महंगा, नए टूरिज्म टैक्स का हुआ आगाज। थाईलैंड सरकार ने पर्यटकों पर नया टूरिज्म टैक्स लगाने का निर्णय लिया है, जिससे यात्रा खर्च बढ़ सकता है। हवाई मार्ग से आने वालों को 300 बाट यानी कि 756 रुपये और समुद्र या सड़क मार्ग से आने वालों को 150 बाट का टैक्स देना होगा। कुछ श्रेणियों को छूट मिलेगी, जैसे छोटे बच्चे और ट्रांजिट यात्री। ये टैक्स कब से लागू होगा, इसकी जानकारी जल्दी आएगी। यात्रा की योजना बनाते समय बजट का ध्यान रखें। फेस्टिवल सीजन में इलेक्ट्रिक कारों पर भारी छूट। इस फेस्टिवल सीजन इलेक्ट्रिक कारों पर शानदार छूट मिल रही है, जिससे खरीदार लाखों रुपए बचा सकते हैं। टाटा मोटर्स की पंच ईवी पर 1.2 लाख रुपए और नेक्सन ईवी पर 3 लाख रुपए की छूट उपलब्ध है। MG ZS EV और BMW iX1 पर क्रमशः 3 लाख और 7 लाख रुपए की छूट है। किया EV6 पर 15 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है।
विवेक ओबेरॉय ने बताया बॉलीवुड इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड से सामना। एक इंटरव्यू में विवेक ओबेरॉय ने अंडरवर्ल्ड से मिली धमकियों का खुलासा किया और बताया कि कैसे उन्होंने इस दबाव का सामना किया था। उन्होंने कहा कि पहले बॉलीवुड में लॉबियों का प्रेशर होता था और उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती थी, लेकिन उन्होंने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया कि आज भी बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का कब्जा है। इसके जवाब में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आज के बच्चों को वो सब नहीं झेलना पड़ता। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, नवनीत कुमार, रामबाबू दास, मोहम्मद साकिर हुसैन, सपना कुमारी, मोहम्मद अरमान, मौसम कुमारी, मुकुंद कुमार, नौसाद राजा। अब हरने आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको केंद्र सरकार की कौन सी योजना सबसे फायदेमंद लगती है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।